महोदय बहुत से है उनको अरेस्ट किया, एमएलए एमपीज को अरेस्ट किया, किया ना? क्यों अरेस्ट किया? उनके साथ कुछ न कुछ अपराध जोड़ा गया। तो जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उद्धव जी की सरकार फडणवीस को अरेस्ट कर रही थी, ये कौन? आशीष शेलार, रविंद्र दरेकर, क्यों? ये दिमाग में उनके आया कैसे? कुछ ना कुछ किया होगा ना, बिना वजह कोई किसी को अरेस्ट करता है क्या? सबसे पहले फडणवीस अपराधी थे इलीगल फोन टैपिंग में। इलीगल फोन टैपिंग का मामला चल रहा था, जांच चल रही थी, उनके मन में डर था कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा। मेरे पास सूचना है, मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में डर था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुख्यमंत्री गृहमंत्री होते हुए हमारे अपोजिशन के फोन चुराकर मैंने सुन लिए हैं, उसके लिए दो ऑफिसर लगाए थे, रश्मि शुक्ला जो डीजी है आज, बाद में उसके ऊपर के सब जो गुने एफआईआर थे वो पीछे लिए, गुने जो लगाए थे वो सब पीछे लिए। क्यों लिया फिर? जांच होनी चाहिए थी ना। ये फडणवीस के मन में डर था कि मुझे इस मामले में अरेस्ट हो सकती है, और पूरे विश्व में ऐसे मामले में अरेस्ट होती है और उनको जेल में जाना पड़ता है। तो एक भयंकर अपराध था जो गृहमंत्री होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने किया था। क्या फडणवीस जो अनटचेबल है? क्या कानून से ऊपर है? प्रवीण दरेकर जिनके ऊपर मुंबई बैंक लोन घोटाले का जांच चल रही थी, हजारों करोड़ का घोटाला वहां हो रहा है, हो रहा था उस वक्त, तो क्या सिंचन घोटाला, ये घोटाला, उसमें लोग अरेस्ट कर सकते हैं? 50 लाख 10 लाख बीजेपी वाले ने अरेस्ट कर लिया ना, लेकिन ये लोग क्या अनटचेबल है? उनको कानून हाथ नहीं लगा सकता कोई? ये सभी लोग, ये प्रसाद लाड, आशीष शेलार, सबके ऊपर अपराध थे और जांच चल रही थी। लेकिन जब आप इतना शिंदे को पूछे, मोदी जी, मोदी की सरकार आपको क्यों अरेस्ट करने जा रही थी, बाद में आप दूसरे का नाम लीजिए, मोदी जी की सरकार आपको क्यों अरेस्ट करने जा रही थी, उनका जवाब दीजिए। ये सब लोग, चार लोग, उनके बारे में जांच चली तो मोदी और फडणवीस सरकार ने एकनाथ शिंदे के ऊपर दबाव लाया है, हम आपको अरेस्ट करेंगे, आप विधायक तोड़ो, हमारे पास आइए, नहीं तो हमको अरेस्ट किया जाएगा। ये खेल है सब। आप हमारे लोगों को कभी भी अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके गुनहगार जो है, आपके पॉलिटिकल पार्टी के, उसको हमें हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होने वाला था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। मुकेश दलाल गुजरात में अनअपोज जीत के आए हैं। ये अनअपोज नहीं है, ये लूट लिया है, ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में, लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का वही गुजरात में दबाव दिख रहा है सर, जिसको लेकर अपना राजपूत समाज का, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बोलिए सर, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, प्रवीण दरेकर यांना अटक करण्याचा प्लान होता असं मुख्यमंत्री म्हणतात, काय नक्की एखाद्या प्रकारचा प्लान होता आणि आताच ते असं मुख्यमंत्र्यांचं एक मुलाखत समोर आलेली आहे। सध्याचे मुख्यमंत्री असं म्हणतायत, स्वतः ते ज्या सरकारमध्ये होते शिंदे उद्धव ठाकरे यांच्या, ते सरकार, मी व्यक्तिशः उद्धव ठाकरे म्हणत नाही, सरकार कारवाई करत। त्यांनी काय सांगितलंय की फडणवीस, गिरीश महाजन, बरोबर ना, दरेकर, शेलार, लाड यांची नावं घेत का? हे लोक अनटचेबल आहेत का कायद्याच्या दृष्टीनं? जर त्यांनी काही अपराध केले असतील। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।